वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, पार्ट नंबर 5। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप है। पिछली वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर के जो टॉपिक है वो कंप्लीट कवर करेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के टॉपिक में क्या क्या बातें आएगी। फंक्शनल स्ट्रक्चर का सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। व्हेन द एक्टिविटीज़ और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और द जॉब, देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शंस स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली वो है जो एक्टिविटीज़ को या जॉब्स को इनको ग्रुप में बांट देता है। ग्रुप में बांटने का मतलब क्या होता है, हर डिपार्टमेंट हर फंक्शन अलग है और ये सेपरेट कर देता है फंक्शंस को। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर फंक्शन अलग है, मार्केटिंग फंक्शन अलग है, इस तरीके से परचेस फंक्शन अलग है। इस तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या करता है, एक्टिविटीज़ और जॉब्स को ग्रुप में बांट देता है, अलग अलग डिवाइड कर देता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देता है, और ये माइंड में रखता है कि जो फंक्शंस और जॉब बांटे हैं वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग है। दैट इज़ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल ऑल दी जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो भी जॉब रहेगी प्रोडक्शन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चल जाएगी। रिलेटेड टू सेल्स इन सेल्स डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू परचेस इन परचेस डिपार्टमेंट, एंड सो ऑन, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखी जाती है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग यानी कि जॉब्स एंड और अदर एक्टिविटीज़ को ग्रुप में बांटना, जो जो उस स्पेशलाइजेशन से रिलेट करती है या उस फील्ड से रिलेट करती है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस यानी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स आते हैं। सबसे पहले आता है पॉइंट फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। ये कंट्रोल करना सिखाता है, ये प्रमोट करना सिखाता है, और ये कोऑर्डिनेट करना सिखाता है किस तरीके से डिपार्टमेंट को अलग अलग बांटा जाता है। डिपार्टमेंट वाइज ये वर्किंग को बांट देता है और में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, कंट्रोल भी मेंटेन करता है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी विच इंक्रीज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज करने में मैनेजर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ये मैनेजर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाता है, ये प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली उस तरीके से काम करता है कि मैनेजर अपना इंडिपेंडेंट होकर वर्क कर सके और मैनेजर अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सके और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है ये डुप्लीकेशन को ख़त्म करता है, कॉपी करना वर्क की ख़त्म करता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एफर्ट ख़त्म करता है, और ये क्या करता है रिजल्ट के अंदर कम कॉस्ट में अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, यानी कि बेटर आउटकम लेकर आता है कम कॉस्ट के अंदर, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट जॉब असाइन होती है, तो उस कारण से जॉब की जो एफिशिएंसी वो भी बढ़ती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी रिमूव होता है, और सबसे बड़ी बात है कि लो कॉस्ट के अंदर अच्छी से अच्छी वर्किंग सिस्टम भी डेवलप होता है और प्रॉफिट भी क्रिएट करती है कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर बता रखा है, इट इंश्योर डैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। ये फंक्शंस के ऊपर काम करता है, अलग अलग डिफरेंट फंक्शन सब पे अटेंशन रहता है। अगर परचेस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो परचेस के ऊपर भी अच्छा वर्क रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स फंक्शन अच्छा वर्क करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग भी अच्छा काम करेगा, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, सेल्स हो, कस्टमर सर्विस हो, रिसर्च हो, एक्सेट्रा। फाइनेंस डिपार्टमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर पर ध्यान देगा, फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देगा, तो ये सारी बातें दिखता है। अलग अलग फंक्शन पर अलग अलग अटेंशन रहता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी इसके अंदर, फिफ्थ पॉइंट, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजियर। ये ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज़ को और ट्रेनिंग करना आसान भी बनाता है। कैसे, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग पर्सन्स काम करेंगे, उनको उनसे रिलेटेड उस जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग मिल जाएगी और ईजिली वो उस जॉब के बारे में समझ सकेंगे। जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्रोसेसिंग के बारे में समझ सकेंगे, एम्प्लॉयज़ क्वान्टिटी कंट्रोल के बारे में समझ सकेंगे, रिपेयर के बारे में समझ सकेंगे, मेंटेनेंस के बारे में समझ सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग देती है एम्प्लॉय को कि किस तरीके से एम्प्लॉय को वर्क करना चाहिए, और ट्रेनिंग को ईजी बना देता है जिससे एम्प्लॉय एफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है। इट प्रमोट एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। मैन पावर क्रिएट करने के लिए एफिशिएंसी क्रिएट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी कि अगर प्रॉपरली एफिशिएंसी के साथ काम करें तो मैन पावर भी क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एडवांटेजेस बता रखे फंक्शनल स्ट्रक्चर की कि किस तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर से हम बेसिकली बेनिफिट गेट करते हैं।
अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस, क्या कमियां है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। एक तो फर्स्ट पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ज़्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं रहते पर्सन। एम्प्लॉई को ट्रेनिंग तो दी जाती है लेकिन एक फंक्शन में काम कर पाता है एम्प्लॉई और सारे फंक्शन में काम नहीं कर सकता। यहाँ पे एम्प्लॉई को जिस फंक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो प्रोडक्शन की सारी चीज़ें समझ लेगा लेकिन अदर फंक्शन में काम करने में इनफ्लेक्सिबल रहेगा। तो ये डिपार्टमेंट के अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है, जो डिपार्टमेंट से जो पर्सन बिलोंग करता है उसको वही डिपार्टमेंट का वर्क समझ में आ पाता है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी आती है। व्हेन द कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस रिजल्ट इन डिले ऑफ डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन डिले क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट डिपार्टमेंट बट दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट ईच अदर, दैट रिजल्ट डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। एंड व्हेन द कोऑर्डिनेशन इज डिक्रीज रिजल्ट इन डिले ऑफ डिसीजन, यानी कि जो रिजल्ट आता है वो भी लेट आता है, किसी भी चीज़ का आउटकम लेट आता है और साथ ही साथ डिसीजन में भी डिले होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका बता रखा है थर्ड, डिफिकल्टी इन अचीविंग गोल्स। थोड़े कभी कभी गोल्स अचीव करने में डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं सब, अपने प्रोसेस से काम करते हैं, तो सब कई बार फेल होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा रहते हैं। सो दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन विच रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन नॉट बी अचीव। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाता क्योंकि एक फंक्शन के जरिए से बाकी फंक्शन भी अफेक्टेड होते हैं और इस तरीके से अचीविंग गोल करने में डिफ़िकल्टी यहाँ पे क्रिएट होती है। फोर्थ पॉइंट है डिपार्टमेंटल लीड्स एटीट्यूड। कई बार नेगेटिव एटीट्यूड के कारण डिपार्टमेंट्स का जो वर्क है वो प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं हो पाता, अपने एम्पायरिंग के थ्रू ये अपने डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं, जिससे कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। यानी कि डिपार्टमेंट का जो लीड, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार ऐसे थिंकिंग करने लग जाते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हमारे एम्पायर से चल रहा है, जबकि डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है, वेरियस डिपार्टमेंट वेरियस कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ पे एम्पायर जो होता है डिपार्टमेंट का, वो कई बार कन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली ये फोर पॉइंट है, जिसमें फोर पॉइंट के बेसिस से बता रखा है कि डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के। यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो हेड्स होता है वो एटीट्यूड लेकर आता है। फोर्थ डिसएडवांटेज माना गया है। तो इस वीडियो में हमने बात करी फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस। थैंक यू।